हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो भाई वो टाटा की गाड़ी का होने वाला है। आप कुछ टाइम से देख रहे होंगे, टाटा सबसे पहले भाई टियागो से स्टार्ट किया था, किस तरीके के फीचर्स, किस तरीके का पैकेज उन्होंने टियागो में निकाला था। उसके बाद वो लोग टाटा नेक्सॉन को लेके आए और उसके बाद पंच को लेके आए। भाई टाटा नेक्सॉन और पंच ऐसी गाड़ियां साबित हुई टाटा के लिए जिन्होंने मार्केट में धमाल मचा दिया और टाटा का जो शेयर है इंडियन मार्केट के अंदर उसको ऊंचाइयों तक लेके चले गए। और उसके बाद रिसेंटली फिर इन्होंने जितनी भी सीएनजी गाड़ियां थी उनके अंदर ड्यूअल टेक्नोलॉजी वाले सिलेंडर लेके आए और दोबारा से मार्केट में धमाल मचा दिया। और यही नहीं रुके, उसके बाद दोबारा से नेक्सॉन का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया। और जैसे ही नेक्सॉन का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, 15-20 डेज के अंदर ही नेक्सॉन जो है वो मोस्ट सेलिंग एसयूवी बन गई है। आप देख सकते हैं लास्ट मंथ के फिगर में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बन चुकी है। और वहीं पंच की भी अगर बात करें तो पंच भी प्रोग्रेसिव काम कर रही है। और उसी कड़ी को जोड़ते हुए टाटा मोटर्स जो है बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहा है और अब उन्होंने लॉन्च कर दी है भाई मेरी फेवरेट गाड़ी टाटा हैरियर। तो भाई आप देख सकते हो टाटा हैरियर का जो लुक है वो मतलब पहले ही मुझे ना, मेरी सच बताऊं, मैं पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट कार है टाटा हैरियर। लेकिन इन्होंने जो नए एडिशंस डाले हैं, मतलब आप देख सकते हो जो नेक्सॉन की फ्रंट वाली जो ग्रिल है, स्पेशली जो ईवी के अंदर आती है, नेक्सॉन ईवी में जो इन्होंने फेसलिफ्ट के बाद बनाई है, उसी ही तरह की कनेक्टिंग लाइट इन्होंने डीआरएल दे दी है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। उसके बाद इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो पहले के जैसे ही पॉइंट 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 वाले इंडिकेटर्स इसके अंदर दे दिए हैं। और बाहर की जो ग्रिल है वो भी भाई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कर दी है, बहुत ही अमेजिंग लग रही है। पहले से ही अच्छी लगती थी लेकिन ये जो अपग्रेड दिया है इन्होंने वो बहुत ज्यादा अमेजिंग दे दिया। स्पेशली ये जो सिल्वर कलर के एलिमेंट्स दिए हैं ना इन्होंने ब्लैक के ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। दूसरी बात, हेडलैम्प्स की अगर बात करें तो कंप्लीटली एलईडी सेटअप दे दिया है जैसा कि इन्होंने नेक्सॉन में दिया था। और उसी सेटअप के साथ इन्होंने फॉग लैम्प भी अटैच कर दिया है जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है। वहीं बात करें एडास की तो ऑफकोर्स एडास सिस्टम इसे पहले भी आता था और अब इसमें कंटिन्यू वो किया गया है। टायर साइज की बात करें तो भाई अब पूरे सेगमेंट में सबसे बड़ा टायर साइज 19 इंचेस के टायर साइज इसमें दे दिए हैं और एलॉय व्हील के साथ। भाई वहीं अगर बात करें बैक साइड की तो भाई बैक में इन्होंने जो टेल लैम्प दी है ना, कनेक्टिंग टेल लैम्प, वो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। और इसकी जो टेल लाइट्स है वो भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही ज्यादा स्लीक लग रही है। पहले भी हैरियर बहुत अच्छी लगती थी पीछे से देखने पे और अभी भी उस पर 4 चांद लग गए हैं तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ये लगने लगी है। वहीं स्पॉइलर दे दिया है, स्टॉप माउंट लाइट उसमें उसी तरीके से आती है, डिफॉगर और वाइपर भी हैरियर के अंदर आने लग गया है। अब इन्होंने क्या कर दिया, IRA कनेक्टेड कर दिया है जो कि आपके फोन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे फीचर्स है। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गाड़ी कहीं धूप में खड़ी हुई है और गर्म है तो अगर आपको ऑन करनी है तो आप पहले से ही ऑन करके उसमें एसी ऑन कर सकते हो, प्लस उसको लॉक अनलॉक, तो बहुत सारे बेसिक फीचर्स जो अदर कार कंपनीज देते थे लाइक किया, उस तरह के फीचर्स इस ऐप के अंदर आप टाटा में आने लग गए हैं। पहले क्या कंप्लेंट थी लोगों की, भाई इसके जो बूट है वो खुलता था पुश बटन करके, मतलब बटन को प्रेस करके खुलता था। अब इन्होंने सेंसर दे दिया है तो आप अपने पैर को स्लाइड कीजिए नीचे से, इसका जो टेल गेट है बूट को ओपन करने का जो गेट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और उसी तरीके से दोबारा से अगर आप प्रेस करोगे बटन को तो वो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो ये था भाई एक्सटीरियर की बात। अब चलते हैं इंटीरियर, और इंटीरियर भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब है टाटा का। टाटा ने बहुत काम कर दिया, हालांकि जो इसका एक अपग्रेड दिया था टाटा ने अपनी पहले हैरियर और सफारी में, उसी से ज्यादा कुछ प्लस इसमें कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं भाई, जैसे ही आप गेट को ओपन करोगे, कीलेस एंट्री तो उसमें पहले भी आती थी तो वो भी कंटिन्यू करी है, और कीलेस एंट्री के साथ साथ मेमोरी सीट्स के फंक्शंस इसमें आते थे वो भी कंपनी ने कंटिन्यू रखा है। तो जैसे ही आप एंट्री करोगे तो 1, 2, 3 जो भी मेमोरी लेवल पे आपका था आप उसी लेवल पे गाड़ी की सीट हो जाएगी, लेकिन गेट ओपन करते के साथ ही आपको पहले वेलकम करेगी। तो मतलब कहने का मतलब यह कि पहले पीछे होगी सीट उसके बाद आगे जाएगी जैसे आप उसमें बैठ जाओगे। और इंटीरियर में थोड़ा सा टच दिया गया है, जिस तरह की गाड़ियों की, मान लो फॉर एग्जांपल येलो कलर की कार है तो येलो कलर के ही छोटे-छोटे एलिमेंट्स इंटीरियर के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। सीट्स की बात करें तो सीट इसकी पहले से ही कंफर्टेबल थी और ज्यादा कंफर्टेबल कर दिया गया है। इसके अंदर लेदर सीट्स आती हैं और वेंटिलेटेड सीट्स तो पहले भी आती थी और वो अब इसमें कंटिन्यू कर दी गई है। वहीं बात करें इसके स्टीयरिंग की तो भाई जो इसका टू स्कोप वाला जो स्टीयरिंग है, जो नेक्सॉन में तहलका मचाया हुआ है, जो लाइट जलती है बीच में टाटा के लोगों के रूप में, वो इसमें भी आ चुका है, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में
कंट्रोल्स मिलेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम्स के, और राइट हैंड साइड में इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी आएगा। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एग्जैक्टली सेम जैसा नेक्सॉन के अंदर आ रहा है, उसी तरीके का कंटिन्यू किया गया है हैरियर के अंदर भी। तो कंप्लीटली डिजिटल है और बहुत ही अच्छा लगता है इसका ओवरऑल। अगर आप इंटीरियर की बात करें तो आप लुक देख सकते हो, प्लस इसके अंदर जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है 12 इंचेस का इसमें एंटरटेनमेंट सिस्टम दे दिया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जैसा कि नेक्सॉन के अंदर आता है, बहुत ही फास्ट है, बहुत ही क्विक है, इसका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा करता है और फील और टच भी बहुत अच्छा है। प्लस इसका जो म्यूजिक सिस्टम है नेक्सॉन के अंदर, मैंने सुना था लास्ट टाइम भाई, बहुत ही अमेजिंग था जब लास्ट वीडियो बनाई थी। स्पेशली इसके अंदर भी, हैरियर के अंदर भी उसी तरीके का म्यूजिक सिस्टम आया जो कि बहुत ही अमेजिंग है। टाटा के म्यूजिक सिस्टम से ना मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा इंप्रेस। इसके अंदर जो एसी है उसको भी कंप्लीटली डिजिटल दे दिया गया है। अब इसके अंदर आपको एम्बिएंट लाइट थी वो भी हैरियर के अंदर आपको मिलेगी आगे डैशबोर्ड में। लीवर आता है नेक्सॉन में, उसी तरीके का गियर लीवर इसके अंदर आपको मिलेगा, जिस ऑटोमेटिक में स्पेसिफिकली जो ये पार्किंग वाला बटन मिलेगा जब आपको पार्क करनी है, और बाकी न्यूट्रल वगैरह करने के लिए आगे पीछे इसको मूव करके आप कंट्रोल कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट मोड्स इसके अंदर आएंगे जो कि डायल मिलेगा, और डायल से ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। टाटा की एक बात और मुझे अच्छी लग रही है, इन्होंने ना अंदर इंटीरियर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल फीचर्स दे दिए हैं जो कि बहुत यूजफुल हैं। स्पेशली जो इसका आर्म रेस्ट है उसके अंदर अब कूल्ड आर्म रेस्ट कर दिया गया है। कहने का मतलब यह कि अगर आपको ड्रिंक्स वगैरह रखनी है और उसको कूल करना है तो भाई कूल्ड आर्म रेस्ट इसके अंदर आ गया है। प्लस वहीं पे अब वायरलेस चार्जर भी दे दिया गया है। और पीछे की बात करें तो भाई रेयर सीट के अंदर आपको आर्म रेस्ट मिलेगा जिसमें आपको कप होल्डर्स भी मिलेंगे दो, और इसके जो हेडरेस्ट है वो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा वाइड हेडरेस्ट है जो कि एक कंफर्टेबल जर्नी, एक कंफर्टेबल राइड आपको देंगे जब आप लॉन्ग जर्नीज पे आप जाएंगे। साथ के साथ इसके अंदर रेयर में जो है वो जो कर्टन्स बोलते हैं वो भी इसमें आ गया है, और 360 डिग्री इसके अंदर कैमरा भी आता है, और उसकी क्वालिटी भाई अमेजिंग है। एचडी कैमरा इसके अंदर आ गया, क्योंकि जैसा कि नेक्सॉन के अंदर भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि एचडी कैमरा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसी तरीके का कैमरा हैरियर के अंदर भी आ गया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे एक बहुत अच्छी लगी इसकी, कि अब इसमें डुअल क्लाइमेट कंट्रोल आ गया है। तो कहने का मतलब यह कि आप ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट में दोनों में अलग अलग क्लाइमेट कंट्रोल सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों साइड में ही एक ही क्लाइमेट कंट्रोल रहेगा, तो दोनों साइड में अलग अलग क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई ये छोटे छोटे अपडेट्स जो टाटा ने दिए हैं वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही प्यारे हैं। ये गाड़ी पहले ही मेरी फेवरेट थी, अब और भी ज्यादा मेरी फेवरेट हो चुकी है। और लास्ट एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो सनरूफ है वो अमेजिंग था ही, पहले बहुत बड़ा सनरूफ आता है, और अब इसके अंदर एम्बिएंट लाइट भी आ गई। प्राइसिंग की अगर बात कर ले तो जिस तरीके से टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट और पुरानी वाली टाटा में ज्यादा कोई प्राइस का डिफरेंस नहीं है, मुझे लगता है इसमें भी कोई प्राइस का ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट 16 लाख से ही ये स्टार्ट होगी। तो भाई बाकी आने वाले हैं कुछ दिनों में ही प्राइस आने वाले हैं, जब आ जाएंगे तो फिर मैं अपडेट कर दूंगा दोबारा से। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपकी फेवरेट गाड़ी हैरियर है या नहीं भाई, और अगर है तो कौन सा फेवरेट कलर है। मेरा तो पर्सनली बताऊंगा ब्लैक कलर बहुत ही मुझे जबरदस्त लगता है। और बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।